अभी आज जो मैं आपको सुना रहा हूँ वो है यौन शोषण। यौन शोषण का मतलब आप सबको पता होगा। यौन शोषण का एक्चुअली मतलब क्या होता है कि आपके घर में रहने वाला कोई एक ऐसा रिश्तेदार जो आपके घर की छोटी बेटियों से या आपके घर में रहने वाली किसी बहन से या फिर किसी भी एक ऐसी महिला से बदतमीजी करे, चाहे वो आंख से हो, चाहे वो शारीरिक संबंध बनाने की बात हो या फिर वो घृणा रूप से देखने की बात हो। इन सब छोटी छोटी चीजों को हम, छोटी नहीं है, होती तो बहुत बड़ी है, दिल बहुत दुखता है इन चीजों से कई बार, लेकिन हम इन चीजों को कहते हैं यौन शोषण, मतलब हैरेसमेंट। तो देखिए कि एक लड़की क्या कह रही है कि मैं गुड्डे गुड़ियों संग खेल रही कब जीवन मेरा खेल हुआ। मैं गुड्डे गुड़ियों संग खेल रही कब जीवन मेरा खेल हुआ, दुनिया की नजरों से मैं क्या बचूं साहब, मेरे घर में मुझसंग गंदा खेल हुआ। अगला देखिएगा कि कभी किसी बुजुर्ग ने छुआ कभी किसी अपने ने हाथ लगाया है, मैं किसी और को क्या कहूं साहब, मुझे तो यहां मेरे अपनों ने रुलाया है। तो देखिएगी कपड़ों को लेकर जो लोग भाषण दे जाते हैं वो मुझे ये बताएं कि 8 महीने की बच्ची को साड़ी कैसे पहनाते हैं। शॉपिंग मॉल हो या हो बस हर जगह तो सिर्फ छेड़छाड़ जारी है। अबला नहीं हूं साहब, फिर भी मुझे महसूस होती यहां पे कि खुद में घर में लाचारी है। और इन यौन शोषण का शिकार यहां लड़के भी हो जाते हैं। अपनों के स्वार्थ की बलि तो ये मासूम भी चढ़ जाते हैं। देखिए कि घर के बाहर की खबर हर शख्स बाखूबी रखता है। घर के अंदर क्या हुआ साहब, यहां किसी को भी पता नहीं चलता है। घर वालों की गलती है जो ऐसे जुल्मों को वो छुपा जाते हैं। वरना किसकी इतनी हिम्मत है जो घर में रहने वाली बहू बेटी मां सास सभी को खा जाते हैं। और आए दिन अखबारों में यह खबर आ ही जाती है बहन बनी मां बच्चे की और दोषी खुद के भाई को पाती है। क्यों मेरे समाज में यह अत्याचार बढ़ रहा है, सोच नहीं बदली यहां लोगों की, सिर्फ दुष्व्यवहार बढ़ रहा है। नजर में गंदगी कपड़ों को दोष ये देते हैं। हैवानियत जहन में है भरी और 4-4 साल की मासूम बच्चियों तक को ये नोच लेते हैं। देखा कि जींस सूट या हो साड़ी नजर तुम्हारी ओछी है। झांकते हो कपड़ों के अंदर और कहते हो कि लड़कियां ही दोषी है। इन हैवानों की नजरों पर हवस का पर्दा है। बच्ची हो या बूढ़ी औरत, हर उम्र को इनसे खतरा है। हाय रे अमित ये तेरे देश में कैसा पाप आया है। निगल रहा है बच्चियों को, इन्होंने लड़कों तक को सताया है। देश मेरे तू देख रहा इन जुल्मों का हिसाब कर लूट रहे हैं तेरी बगिया की वो मासूम कलियां
बगिया की वो मासूम कलिया, इन कलियों के साथ थोड़ा इंसाफ कर, जी हां थोड़ा सा इंसाफ कर, दे इन्हें ऐसी सजा, लास्ट है इसका कि देखिए क्या कह रहा हूं मैं, कि दे इन्हें ऐसी सजा कि रूह तक इनकी कांप जाए, दे इन्हें ऐसी सजा कि रूह तक इनकी कांप जाए, फिर जन्म लेने से पहले ये ऐसे इंसान अपनी मां की कोख में ही मर जाएं। और देखेगी बंद आंखों से बेजुबान को काटता, बंद आंखों से बेजुबान को काटता मैंने वो कसाई देखा है, बंद आंखों से बेजुबान को काटता मैंने वो कसाई देखा है। माफ कीजिए जनाब, आपने जानवर तो बहुत देखे होंगे सड़कों पे घूमते, मगर गंदी नजरों से शिकार करता मैंने घर में वो भाई देखा है। और एक देखिएगी, मैं उठाकर अपनी ही लाश अपने ही कंधे पे, मैं उठाकर अपनी ही लाश अपने ही कंधे पे शमशान में दफनाने जाऊं, ऐसी मेहरबानी तो शमशान नहीं करता, शमशान में दफनाते नहीं है जलाते हैं। मैं अपनी ही लाश उठाकर अपने ही कंधे पे शमशान में दफनाने जाऊं, ऐसी मेहरबानी तो शमशान नहीं करता। और जब से हुआ है नन्नी बेटियों का शिकार, और जब से हुआ है नन्नी बेटियों का शिकार, वो खुदा भी अपनी बेटी का कन्यादान किसी की औरत की कोख में नहीं करता। दो चार देखिए, और की औरत की कोख में रहने वाली इबादत प्रार्थना, नजरिया देखिए नजरिया क्या है, कि औरत की कोख में रहने वाली इबादत आज चल के बुरखे में बाहर आई है, नजरिया कि औरत की कोख में रहने वाली इबादत आज चल के बुरखे में बाहर आई है, जमाने से डर गई है शायद थोड़ा, तभी पांच वक्त की नमाज मंदिर में पढ़ के आई है। नौ महीने किराए का कमरा, नौ महीने किराए का कमरा और ये टांगों के बीच में लहू, नौ महीने किराए का कमरा और ये टांगों के बीच में लहू, लगता है आज उस खुदा की जन्नत भी तबाह होगी। नौ महीने किराए का कमरा और ये टांगों के बीच में लहू, लगता है आज उस खुदा की जन्नत भी तबाह होगी। ए मर्द मुझे बता कि इससे ज्यादा खूबसूरत तेरी मां और क्या होगी। अच्छा मोस्टली क्या होता है कि लाइक जब आप बुलंदियों में जब चढ़ने लगते हैं तो कई लोग आपके अपने होते हैं जो आपकी पीठ के पीछे गालियां बहुत देते हैं। सही बात है सर, पहला शेर था कि आधी लिखूंगा मगर हर बात लिख दूंगा, सबके कानों तक है। दूसरा शेर देखें इसका, पार्ट वन से सुनेंगे, ठीक पार्ट वन आओगे। मैं कुर्सी हटा सकता हूँ सर जी। मैं कर लूंगा है? क्यों बस देखेगी, इसका पहला शेर यूं है, जब आपके लोग जब आपकी पीठ के पीछे लोग गालियां देते हैं, ये दो पार्ट में, पहला पार्ट ये तीन पार्ट में, और तीनों में मेरी अपनी खुददारी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि लाइक मेरे को अगर कोई गाली देगा तो मैं ऐसा कर सकता हूं, बट मैं कोशिश करता हूं कि ऐसा हो सके। ये सर मेरा अपना नजरिया, ये तीन शेर यूं ही खत्म हो जाएंगे, सिर्फ पकड़ के चलिएगा मैंने क्या कहा है। पहले शेर में है कि आधी लिखूंगा मगर हर बात लिख दूंगा, आधी लिखूंगा मगर हर बात लिख दूंगा, और तुम गालियां मत देना मुझे मेरी पीठ के पीछे, उठा ली कलम तो तुम्हारी औकात लिख दूंगा। पार्ट वन, पार्ट टू, मेरी पीठ के पीछे गाली देने वालों जरा संभल के, पूरा तंज कसूंगा इसके अंदर में कि मेरी पीठ के पीछे गाली देने वालों जरा संभल के, आगे मेरे नाम का एक शमशान है फूंक दूंगा,
मेरी पीठ के पीछे गाली देने वालों जरा संभल के, आगे मेरे नाम का एक शमशान है, फूंक दूंगा और इस बार उठाई कलम तो आप जैसे लोगों को रखूंगा मुंह में, चबाऊंगा और थूक दूंगा। अब इसका थर्ड पार्ट, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। अब इसका थर्ड पार्ट, जब तक जुबान मीठी है दिल में रखूंगा, जब तक जुबान मीठी है दिल में रखूंगा और जहां हुई जुबान कड़वी गैरों में रखूंगा। जब तक जुबान मीठी है दिल में रखूंगा और जहां हुई जुबान कड़वी गैरों में रखूंगा। और ये अकड़ औकात साहब जेब में रखिए, अगर मैं अपनी अकड़ में आ गया तो आप जैसे लोगों को अपने पैरों में रखूंगा। एक माँ के ऊपर, एक पापा के ऊपर, फिर मेरे ऊपर, फिर उसके अंदर अपनी जगह ले लो। माँ के ऊपर देखिए, माँ के ऊपर यूं है कि शक्ल से खूबसूरत नहीं है। अच्छा, क्या बात? मेरी माँ है, मैं जैसा मर्जी बोलूं। इनकी मम्मी मेरी मम्मी, ऐसा है कि देखिए शक्ल से खूबसूरत नहीं है। ये उन लोगों के लिए होता है जो अपनी मम्मा से मिलवा नहीं पाते हैं। उसका रीजंस क्या होते हैं, बहुत टिपिकल रीजंस होते हैं कि वो कहते हैं कि यार मेरी मॉम एजुकेटेड नहीं है, मेरी मॉम फैशनेबल नहीं है, लाइक उन्हें अजीब लगेगा, अपडेटेड नहीं, लाइक। तो यार ऐसा नहीं होना चाहिए, लाइक माँ तो माँ होती है ना। लेकिन एक शेर देखिएगी, शक्ल से खूबसूरत नहीं है माना कि थोड़ी सी अनपढ़ है, शक्ल से खूबसूरत नहीं है माना कि थोड़ी सी अनपढ़ है, मगर उसकी दर्द को भी आह होती है। दर्द को भी आह, क्या बात, ठीक है, कि उसकी दर्द को भी आह होती है, माना कि तमाम औरतें होंगी आपके बिस्तर पे, मगर जब मैं रोता हूं मेरे पास मेरी माँ होती है। मम्मी के ऊपर लिया है तो अब एक पापा के ऊपर देखेंगे कि जो चीज खो गई थी, जो चीज खो गई थी मैंने उसे और खोते देखा है, जो चीज खो गई थी मैंने उसे और खोते देखा है। मैं दुखी नहीं हूं साहब, मैं दुखी नहीं हूं साहब, बस कामयाब हूं क्योंकि मैंने कमरे में बैठा अपना बाप कोने में छुप छुप के रोता देखा है। एक साहब अब देखिए कि एक हमारे तरह के अपने ऊपर लिख लेते हो जनाब, शायद नाम है तो बहुत ज्यादा लिखा भी हुआ आपने। हाँ मैंने तो बहुत ज्यादा लिखा भी हुआ है। रहने दो यार, क्यों पार्क में घूमने का मूड है आपका? यूं है कि देखिए कि हमारी तरह गहरा पढ़ोगे तो शायद तुम कायर हो जाओगे। हम शायर हैं ना, हमारी तरह गहरा पढ़ोगे तो शायद तुम कायर हो जाओगे, और कभी बनना हो शायर तो मेरी नज़मों को पढ़ना, शायद उस दिन तुम जनाब शायर हो जाओगे।